असंभवम् हे मृगस्य जन्म तथापि राम लोलुभो मृगायः। अगर देखा जाए तो इसी श्लोक में आपका पूरा उत्तर छिपा हुआ है। असंभवम् हे मृगस्य जन्म तथापि राम लोलुभो मृगायः। हे माता जी, सोने के हिरण का होना संभव है? नहीं है। तो स्थिति क्या है? मृगा बाल नहीं लाग बधिक नहीं चोका। ए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जिस समय तर्कस से निकाल करके बाण का संधान करते हैं मारीच को मारने के लिए, और वो जो मारीच है वो माया मृग के रूप में आया है, वो जो मृग है वो मारीच है, और जो मारीच है वो मृग हो नहीं सकता। एक जैसे भगवान राम तर्कस से निकाल करके बाण उस मृग को मारने के लिए संधान करते हैं तो बाण किसे लगता है? मारीच को लगता है, ना कि किसी मृग को लगता है। मृगा बाण नहीं लगा, क्योंकि वो मृग था ही नहीं, वो मारीच था और बधिक नहीं चूका। तो स्थिति क्या है? जो मारने वाला है वो चूका भी नहीं। भगवान राम ने अपने जिस बाण का संधान किया था वो जा करके मारीच को लगा, और स्थिति क्या है? पाहुन किस उपास रहा नहीं भूखा। पाहुन अर्थात अतिथि होता है। अगर हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो यहाँ नहीं, लेकिन भी ग्रामीण है, हो ग्रामीण परिवेश में कहते का हो पाहुना आवत नहीं बैठा, कहते है कि नहीं कहते? ए पहुना तनी मिथिला में रहो ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पाहुन का अर्थ होता है जो अतिथि है, जो द्वार पे आया है। जिस समय भगवान राम माया मृग के पीछे उसको मारने के लिए चले गए, बहुत अच्छे से उत्तर समझाते हैं, रखिए। स्थिति क्या होती है? जिस समय सीता जी कहां थी? चित्रकूट में, वहीं के पास थी ना। भगवान राम ने क्या बनाया था? आश्रम बनाया था ना। आश्रम में जब थी तो स्थिति क्या हुआ? एक दिन सीता जी ने एक सोने के हिरण को विचरण करते हुए देखा। उन्होंने राम जी को बुलाया, बुलाने के पश्चात कहा कि प्रभु, बोले हाँ, बोले इतना सुंदर देखे हिरण जा रहा है, ये जाकर के इसका चर्म ले आइए, हम लोग लेकर के चलेंगे। क्या कहा? कि आना हूं चर्म कहा तब देही। ये सीता जी ने कहा, किससे कहा? भगवान राम से कहा कि जाकर के जरा इस चर्म को ले आओ, हम लोग अयोध्या लेकर के चलेंगे। अब जिस सोने का अयोध्या छोड़ के आवा है ते चर्म के पीछे भाग। स्थिति क्या है? माया की सीता मायापति को माया मृग मारने के लिए प्रेरित कर रही है, तो साधारण नहीं है। स्थिति क्या है? कि कंचन मृग बन कर आया। स्थिति क्या है? मारीच, जिनके बारे में माता जी ने पूछा है कि कंचन मृग बन कर आया सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का।
सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने, माया का मारी चला माया पति को भटकाने, माया का मारी चला माया पति को भटकाने। बोली मायावती सरकार की, वही स्थिति है, मनुष्य भी माया में है। तो स्थिति क्या होती है, मृगा बाण नहीं लाग बधिक नहीं चूका। भगवान राम ने जिस बाण का संधान करके उस मृगा को मारा, वो बाण किसी मृगा को ना लग करके जाकर के मारीच को लगा। तो बाण मारा भी गया, मृगा को लगा नहीं, और मारीच को लगा भी बाण, खाली भी नहीं गया, इसलिए बधिक नहीं चूका, मारने वाला नहीं चूका। और पाहुन की हिस उपास रहा नहीं भूखा। यहां पर क्या है, एक व्यक्ति है जिसने उपास भी किया और वो भूखा भी नहीं रहा। अभी कह दियो कि हम जो है व्रत हन, लेकिन चार बार दिन मां खाओ तब फिर कैसे व्रत वाला काम हो पाए महाराज। स्थिति क्या है, पाहुन की हिस उपास रहा नहीं भूखा। जिस समय रावण सीता जी की हरण करने की इच्छा से वहां गया, उसको भूख थी सीता जी का हरण करने की, लेकिन जब वो सीता जी का हरण करने के लिए वहां पहुंचा तो सीता जी को लगा कि ये मेरा अतिथि है, मेरे दरवाजे पर आया है, संत के रूप में आया है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। सीता जी अंदर से भोजन की थाली लेकर के आई। ये स्थिति क्या हुई, सीता जी जो भोजन की थाली लेकर के आई थी, उस थाली को रावण ने नहीं खाया, लेकिन जो रावण की भूख थी सीता को हरण करने की, वो भूख भी पूरी तरीके से पूरी हो गई। प्रश्नों का समाधान।